राष्ट्रीय सैनिक संस्था की प्रेसिडेंट, जो ये आंदोलन से जुड़े हुए हैं काफी दिनों से, कर्नल टीपी त्यागी साहब, मंच पे उपस्थित सुनील अंबेकर जी, एबीवीपी के ऑर्गेनाइजिंग जनरल सेक्रेटरी, और जिसके कारण हम लोग आजाद भारत में आज मिल रहे, आजाद इन फौज के वेटरन्स, INA वेटरन्स, उनको हम लोग आज लाल किले में प्रधानमंत्री जी सम्मान दिया है। उन्होंने अभी हम लोग के कार्यक्रम में भी मौजूद है। आपको जय हिंद बोल के हम लोग नमन करते हैं। आपके लिए आज देश आजाद है। देवियों और सज्जनों, देखिए, नेताजी सुभाष चंद्र बोस सिंगापुर से जो आजाद हिंद सरकार गठन किया था 21 अक्टूबर 1943 में, वो था भारत की, अखंड भारत की पहला आजाद सरकार। और नेताजी सुभाष चंद्र बोस ये अखंड भारत की आजाद सरकार के पहला प्रधानमंत्री थे। इकहत्तर साल बीत गए ये आजाद हिंद सरकार के सम्मान भारत की सरकार नहीं दे सके 71 साल तक। आज एक ऐतिहासिक दिन है। आज की भारत की वर्तमान प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी आजाद हिंद सरकार की 75 साल में लाल किले में तिरंगा झंडा लहरा के आजाद हिंद सरकार, आजाद हिंद फौज और भारत को सम्मान किया है। नेताजी ने नारा दिया था आजाद हिंद फौज में 60,000 सैनिक था। ये 60,000 सैनिक बलिदान देने के लिए तैयार हो गया दिल्ली चलो ये आंदोलन के साथ। आज हम लोग भी दिल्ली चलो ये नारा दिया था और इसके कारण आप लोग सब दिल्ली चल के आए। उड़ीसा से लोग आए हैं, बंगाल से लोग आए, हरियाणा, पंजाब, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, केरला, तमिलनाडु से लोग आज दिल्ली चलो नारा जो नेताजी ने दिया था उस नारा को सुन के आप लोग दिल्ली चल के आए हैं। क्यों आए हैं? कारण नेताजी ने बोला था, ये संदेश उन्होंने दिया था कर्नल शौकत अली मलिक को। कर्नल शौकत अली मलिक कौन था? बहादुर ब्रिगेड, आजाद हिंद फौज के बहादुर ब्रिगेड का कमांडर था। आप जानते हैं भारत की मिट्टी में पहला बार कहां तिरंगा झंडा लहराया है? आप बताइए। हम लोग इतिहास लेके पढ़ाई काफी लोग कर चुका है। आप बताइए 15 अगस्त 1947 नहीं था, कब था? आप बता सकते हैं? 14 अप्रैल 1944 साल में पहला बार भारत के मिट्टी में तिरंगा झंडा लहराया था आजाद हिंद फौज के कर्नल शौकत अली मलिक। उसके बाद नेताजी ने उनको आदेश किया था, कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा, ये जिंदगी है कौम की, ये कौम पे लुटाए जा। ये गाना के साथ आप लाल किले तक जाइए 1944 साल में और लाल किले में तिरंगा झंडा लहराइए। आप जानते क्यों वो नहीं आ सका? ये बात सही है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम
अलाइड पावर्स हिरोशिमा नागासाकी में एटम बॉम्ब फेंक दिया। उसके कारण एक्सिस पावर्स को सरेंडर करने पड़ा। मगर जो गलत इतिहास पढ़ाया जाता है, आज तक आजाद हिंद फौज नेताजी सुभाष चंद्र बोस सरेंडर नहीं किया, वो आत्मसमर्पण आज तक नहीं किया है। मगर वो लाल किले तक कर्नल शौकत अली मलिक और बहादुर ब्रिगेड क्यों नहीं आ सका? कारण उस टाइम जो कांग्रेस का नेतृत्व था दिल्ली में, जो कांग्रेस का नेतृत्व था, वो ब्रिटिश सरकार के साथ हाथ मिला के आजाद हिंद सरकार और आजाद हिंद फौज के खिलाफ लड़ाई आंदोलन किया था। ये जो गद्दारी किया था कांग्रेस का नेतृत्व, ये इतिहास आज सामने आने का समय आ चुका है। आज नरेंद्र मोदी जी लाल किले से इतिहास रचना किया है। उन्होंने जो इतिहास रचना किया है, देखिए ये बात सही है, आप एक मात काम करने से ही आप इतिहास रचना कर सकते हैं। उन्होंने जो 26,000 आजाद हिंद फौज के सैनिक जो बलिदान दे चुका है, उसके लिए एक भी मेमोरियल नहीं है। उसीलिए हम लोग ये मुद्दा उठा रहे। प्रधानमंत्री जी के साथ मेरा आज कुछ बातचीत हुआ है, उन्होंने बोला आजाद हिंद फौज और आजाद हिंद सरकार के लिए हम बहुत कुछ करने वाला है, आप देखते रहिए, हम करते जाएंगे। तो अब जो प्रधानमंत्री आए हैं, एक राष्ट्रवादी प्रधानमंत्री आए हैं। नेताजी था भारत की पहला राष्ट्रवादी नेता, और आज जो प्रधानमंत्री आए वो उनको चुन लिया है कि भाई हम भी राष्ट्रवादी है, हम भी आपको साथ देंगे। नेताजी का आदर्श काफी लोग 1857 से लेके मंगल पांडे का जो सिपाही विद्रोह आंदोलन था उसमें से लेके 1947 तक हजारों लोग बलिदान दे चुका है। भगत सिंह, राजगुरु, विनय बादल, दिनेश, खुदीराम बोस, काफी लोग है जिसका नाम भी हम लोग नहीं जानते हैं। मगर जो सही इतिहास है, महात्मा गांधी का अहिंसा आंदोलन था, वो भी आजादी के लिए क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन, वो भी था। मगर आज जो दस्तावेज हम लोग को मिला है ब्रिटिश आर्काइव से, वो ये स्पष्ट बता था, द लास्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया वॉज नन अदर देन द बैटल ऑफ द आजाद हिंद फौज एंड द INA ट्रायल्स। आप जानते हैं ये लाल किले में जो INA ट्रायल्स हुआ था, आप जानते, तीन ऑफिसर्स आजाद हिंद फौज के, शाहनवाज खान, गुरबख्श सिंह धिलौन, गुरबख्श सिंह धिलौन का परिवार से आए हैं, वी ऑनर हिम टुडे, परिवार से भी आए हैं। उसके बाद प्रेम कुमार साइगल, उस टाइम ये जब ट्रायल चल रहा था ब्रिटिश आर्म फोर्सेस में विद्रोह शुरू हो गया। आप जानते हैं मुंबई में जो 9 विद्रोह हुआ था, 78 जहाज में विद्रोह हो गया, आपको ये यूनियन जैक को नीचे फाड़ के नीचे लाया गया, भारत की तिरंगा झंडा ये जहाज में लहराया गया है। मगर आप चीज जानते हैं 15 अगस्त 1947 में जो बोला जाता हम लोग का आजादी का दिवस है, उस टाइम भारत में हम लोग अखंड भारत के लिए पूर्ण स्वराज के लड़ाई किया था। देशबंधु चित्तरंजन दास के ग्रैंड नेफ्यू बैठे हैं, प्रसाद रंजन दास, ये भी आपको बताएंगे, गांधी जी, चित्तरंजन दास, सुभाष चंद्र बोस, ये पूर्ण स्वराज अखंड भारत के लिए लड़ाई किया था। मगर 15 अगस्त 1947 में क्या हुआ था, देश के प्रति गद्दारी हुआ था, अखंड भारत नहीं मिला,
डोमिनियन स्टेटस मिला और भारत को बंटवारा किया गया है। ये भी इतिहास सामने आना चाहिए। आज ये कर्तव्य है सरकार की, एनडीए सरकार की कर्तव्य है और ये हम पालन जरूर करेंगे। सही इतिहास भारत को सामने रखना चाहिए। आज आइए एक साथ मिलके नेताजी का जो आदर्श था, नेताजी का आदर्श क्या था? स्वामी विवेकानंद का आदर्श था, नेताजी का आदर्श चरित्र गठन करने का जो आदर्श था, स्वामी जी का चरित्र गठन का आदर्श नेताजी ने आजाद हिंद फौज और आजाद हिंद सरकार में इंप्लीमेंट किया था। उसने क्या डिसिप्लिन था? आजाद हिंद फौज में कौन था? 60,000 सैनिक, ये लोग कौन था? आजाद हिंद फौज में एक भी मुसलमान नहीं था, आजाद हिंद फौज में एक भी हिंदू नहीं था, आजाद हिंद फौज में एक भी ईसाई नहीं था। फिर आजाद हिंद फौज में था कौन? आजाद हिंद फौज में खाली भारतीय था और कोई नहीं था। आज समय आ चुका है भारत को रक्षा करने के लिए, भारत को एक रखने के लिए, नेताजी का आदर्श को कोर भारत का कोने कोने में आपको ले जाने पड़ेगा। आज को युवा को हम बता रहे नेताजी सुभाष चंद्र बोस एक ही जो आदर्श है जो भारत को बचा सके, भारत को रक्षा करे। तो आइए एक साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ देखे भारत के जितना कोने कोने युवा है, आप आइए स्वामी विवेकानंद और सुभाष चंद्र बोस को सामने रख के भारत को प्रगति का रास्ते में ले चले। हम बहुत खुश है जो आप लोग हमको आमंत्रण किया है। इतना बड़ा एक जो आंदोलन के साथ हम जुड़ रहे हैं, ये मेरा सौभाग्य है। ये बोल के काफी लोग बोलने वाला है आपके सामने, आप आइए एक साथ मिलके एक नया भारत हम लोग बनाए नेताजी का आदर्श ऊपर, नेताजी को सामने रख के। बोलिए जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। नेताजी जिंदाबाद, नेताजी जिंदाबाद, नेताजी जिंदाबाद। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। नमस्ते।